हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपको समुच्चरित शब्द बताने वाली हूँ आज। तो देखिए, पहला है पुर। पुर का अर्थ हुआ नगर, पुर नगर, अपुर बाढ़। पुर मतलब नगर, अपुर मतलब बाढ़। दूसरा है पुत्र, पुत्र पुत्र या बेटा, और पुत पुत मतलब हुआ पवित्र। पुत्र मतलब पुत्र या बेटा, और पुत मतलब पवित्र। बलि देव भाग, बलि देव भाग। अब बलि का अर्थ हुआ बलवान, बलि देव भाग, बलि बलवान। बेला, बेला का अर्थ हुआ किनारा, बेला किनारा, और बेला समय, ये बेला मतलब हुआ समय। मणि पांचवा नंबर पे है, मणि, मणि को हम रत्न भी कहते हैं, मणि रत्न, मणि दीर्घ ही हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया सर्प, मणि मतलब सर्प। छठा नंबर पे है मेरा मित्रम, मित्रम मतलब मित्र या दोस्त, मित्रम मित्र या दोस्त, और मित्र सूर्य, मित्र का अर्थ हुआ सूर्य। श्रमण, देखिए श्रमण हुआ भिक्षु, श्रमण भिक्षु, अश्रवण कान या श्रवण करना या सुनना। आठवां मेरा है सकलम, सकलम टुकड़ा, सकलम का अर्थ हुआ टुकड़ा, और सकलम का अर्थ हुआ सारा, सकलम टुकड़ा और सकलम सारा। नौवां मेरा है ससधर, ससधर का अर्थ हुआ चंद्रमा, ससधर चंद्रमा, और शशिधर महादेव, ससधर चंद्रमा और शशिधर महादेव। दसवें नंबर पे है सप्त, सप्त का अर्थ हुआ सात, सप्त सात, सप्त साप पाया हुआ जो व्यक्ति है उसको हम सप्त बोलते हैं। तो इस तरीके से वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।